ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर करीम अब्बासी साहब, सेक्रेटरी लिबरेशन सेल इजाज लोन साहब, डायरेक्टर कश्मीर सेल एंड स्कॉलर राजा सजाद लतीफ साहब, मीर अदनान साहब, डॉक्टर नज़ाकत और हॉल में बैठे हुए हमारी रजिस्ट्रार डॉक्टर आयशा, डॉक्टर कंट साहब, अब्बासी साहब, हारून साहब, नदीम साहब, राजा असलम साहब, डॉक्टर कयूम साहब, और मैं अगर किसी का नाम ना ले सकूं डॉक्टर इम्तियाज, और तकरीबन आई फील वेरी ऑनर्ड कि इस हॉल में मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके साथ ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मैंने गुजारा, और आज मैं जब उनको भी अपने शोबे में एक हाईएस्ट पोजीशन पे देखती हूँ, वाइस चांसलर साहब मेरे कोलीग रह चुके हैं, तो मुझे बहुत फख्र महसूस होता है एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि आज आप लोगों के दरमियान आके आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वंस अगेन वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू यू। लेकिन बाहर तो बहुत बारिश है, लेकिन यह है कि आपकी गुफ्तगू ने इस महफिल को यकीनन गर्मा के रख दिया है, और जो आज हमने बातचीत सुनी वो एक अच्छी इंटेलेक्चुअल डिबेट थी। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू नो दैट कुछ लोग हैं इस सोसाइटी में जो इस टॉर्च को आगे लेके जा रहे हैं और कुछ ना कुछ इस शोबे में काम कर रहे हैं। व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी तो एट दैट टाइम मेरी भी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी, और एक वक्त था कि मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन जेनीवा में खुद कुछ 6 मरतबा नुमाइंदगी कर चुकी हूँ, और इंटरनेशनली बहुत से मौक़ों पे जाना का मौका मिला और कश्मीर कॉज को करीब से स्टडी करने का मौका मिला। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें हम लोग किसी और को इल्ज़ाम देने से पहले हमने ये देखने कि एज डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एज रेजिडेंट्स ऑफ बेस कैंप, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कश्मीरी पीपल, क्या हमने अपनी ऑब्लिगेशंस को ऑनेस्टली एड्रेस किया है? क्या हमने ये देखना है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, वी आर थैंकफुल टू पाकिस्तान फॉर प्रिजर्विंग दिस इशू, जो 49 में पोजीशन थी, आज भी अल्लाह के फजल से ये नहीं है कि आज़ाद कश्मीर कोई घट गया है या कोई जीवी किसी के हवाले हो गया है। जो चीज़ें 49 में हमारे पास थी उसको आज तक प्रिजर्व करने में जो पाकिस्तान का रोल है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वरना हमारी हालत भी पैलेस्टाइन से भी परे होती कि वो जो पट्टी है जिस तरह से वो एक सुकड़ते सुकड़ते जो कहाँ तक पहुँच गई है। तो जिन कौमों में गैरत होती है, जिन में एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इंटेग्रिटी होती है, हम हिस्ट्री के अक्सर तालिबे इल्म हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि बहुत माजी की अगर हम ना भी बात करें तो हमारे सामने इस सेंचुरी में टर्की की मिसाल मौजूद है कि टर्की वॉज अ कंट्री विच वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट poorest in all terms, financially देखें, politically देखें, उनकी जो system था वो बिल्कुल collapse हो चुका था, और caliphate उस्मानिया के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने आप को एक बिल्कुल जवाल से दोबारा उठाया है वो इस सदी में हमारे लिए मिसाल है। और पाबंदियां देखें, जब आप एक जंग करते हैं तो everything is फेयर इन लव एंड वॉर। आप ईरान की मिसाल लें, उन्होंने पाबंदियां फेस की हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था जो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ठीक था उसके लिए उन्होंने स्टैंड लिया है। उन्होंने ये स्टैंड लिया है कि अगर हमें कोई नहीं भी हेल्प आउट करेगा तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, और उन्होंने 3 दहाइयां सर्वाइव करके दिखा दिया। आज आप देखें
कि वो भी एक इकोनॉमिकली उन्होंने अपने आप को एम्पावर किया है. और फिर चाइना की मिसाल आपके सामने है कि जो कौम हेवन के और नशे में डूबी हुई एक जो कौम थी उसको किस तरह से उसने अपने आप को एलिवेट किया है कि आज की जो इंटरनेशनल क्लब है वहां पे चाइना के बगैर कोई चीजें जो है वो हैपन नहीं हो सकती. हम जब बात करते हैं कि ब्लैक एंड वाइट में अगर हमारे पास कोई प्रपोजल, कोई रिटन डॉक्यूमेंट जो एज कश्मीरीज हमें सपोर्ट करता है, दैट वाज इन 1949, जिसका जिक्र मेरे फाजल कलीग्स यहाँ पे कर चुके हैं. और उसमें आप अगर इसको गौर से देखें तो आपने देखा है कि जब ट्राई पार्टी डायलॉग हुआ था और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ था तो एक तरह से जो उनका एनेक्सेशन का क्लेम था वो उससे सरेंडर कर चुका था इंडिया. जब उन्होंने ये कहा कि हम इससे विड्रॉ करने को तैयार हैं और इसको पाकिस्तान को एक पार्टी के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया, यूएन के रेजोल्यूशंस को एक्सेप्ट कर लिया, यूएन क्लब्स में चला गया, तो फिर ये कहना कि अभी एनेक्सेशन है. और एलिस्टर लैम के मुताबिक वैसे भी जो डॉक्यूमेंट ऑफ एनेक्सेशन है जिसकी बेस के ऊपर ये कहा जाता है कि ये एनेक्सेशन हुई है, दैट इज अंडर द शैडो ऑफ डाउट. उसको आज तक कभी भी पब्लिक नहीं वो किया गया और किसी भी जो चीज है उसको जब तक आप रियलिटी को फेस नहीं करते हैं वो आप उसको दिखा नहीं सकते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी. हम लोग एक परसेप्शन के तहत इंडिया ने पूरी दुनिया को अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कन्विंस किया है जो रियलिटी नहीं है. अब यहां से ये पॉइंट स्टार्ट होता है कि हम क्यों नहीं अपनी रियलिटी को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करा सकते. ये अब हमारी जो कोताहियां हैं उसमें मैं समझती हूँ कि जहां हम कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान ने आज तक हमें सरवाइव किया लेकिन वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप का जो डाउनफॉल आया वो ही पाकिस्तान था जब एक जमाने में 60 का जो पाकिस्तान का सरबरा जब सऊदी अरब में जाता था तो जिस तरह से उसको रिसीव किया जाता था, जिस तरह से शाह जो था सऊदीया का वो उसको खुद एयरपोर्ट पे रिसीव करने आता था, उसके लिए वहां पे वो खुद एक उनका तलवार का जो रक्स है उस खुद करके वो उसको अपनी रिस्पेक्ट देता था. यूएस में से कैनेडी किस तरह से हमारे लोगों को रिसीव करते थे. लेकिन ये है कि ये आस्ता आस्ता फिर कश्मीर थोड़ा सा पसे पर्दा चला गया. ये मेरे फाजल कोलीग्स ने बिल्कुल ठीक कहा कि 56 तक इंडिया ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा इंटेग्रल पार्ट है, बल्कि नेहरू की एक स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उसने ये कहा कि वी डोंट बिलीव इन फोर्स्ड मैरिजेस एंड फोर्स्ड यूनियंस, दैट वाज फॉर कश्मीर. उन्होंने ये बात ओपन की थी कि उनके जहन में उस वक्त तक नहीं था कि हम इसको पक्की अपने साथ फोर्सफुली एनेक्स कर लेंगे. जब जो जो उनको यहाँ पे पाकिस्तान की लीडरशिप में खला आया तो उनको फिर मौका मिलता गया कि वो अपने हालात के मुताबिक वो उसको क्लेम करें. तो डोगरास की बात यहाँ डॉक्टर नजाकत बड़ी दिलचस्प कर रहे थे कि वो अब कह रहे हैं कि इसको चूंकि डोगरा से लिया गया था तो ये डोगरास को वापस किया जाए. तो मेरा ख्याल है अगर इसी को आर्गुमेंट बनाया जाए तो फिर हमें ये क्लेम करना चाहिए कि अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान था सारा वो मुगल से लिया था, फिर उनको हवाले कर दिया जाए, उनका कोई प्रीडेसेसर ढूंढ के तो ये मुसलमानों के हवाले फिर स्टेट करनी चाहिए. ये कोई आर्गुमेंट नहीं है. आर्गुमेंट जो है वो ये होता है कि फैक्ट्स के ऊपर बेस करता है. सिमला एग्रीमेंट को लें, सिमला एग्रीमेंट की वजह से हमें ये कहा जाता है कि इट्स अ बायलैटरल इशू, यू कांट टेक इट इनटू इंटरनेशनल फोरम्स बिकॉज इट वॉज एग्रीड अपॉन बोथ द स्टेट्स कि दे विल रिजॉल्व दिस इशू म्यूचुअली. Now the question is that this is not the issue between the two countries. This is the future of Kashmiris, and Kashmiris were not part of Simla agreement. And as an advocate of Kashmiris, I think this is the time that Pakistan should withdraw from Simla agreement. Because you have given the space, you have given space of nearly 3 decades to resolve the issue. But mutually you were not able to achieve any objective. तो अब वक्त आ गया है कि देखें जब तक हम कोई बात बोल्डली नहीं करेंगे, जब कोई वे होती है तो उसके लिए वे निकल आती है. आज अफगानिस्तान का इश्यू 1 वीक में किस तरह हल हो गया,
ऐसा हुआ कि आपने न्यूज में सुना कि वहां पे ये चेंज आ गई है और फिर गवर्नमेंट भी हो गई और फिर सारे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो चूंकि इसमें अमेरिका की विल थी, इसमें इंटरनेशनल कंट्रीज की विल थी, वो चाहते थे कि अफगानिस्तान पे कोई ऐसा सिलसिला हो कि इसके ऊपर हम लोग काम करें, तो आप देखें कि जब ये चीज फाइनली होने के ऊपर आई तो किस तरह आ गई। अब हमारा जो इशू है, अब इसकी जरूरत है कि हमारी इस कंट्री क्लब में, जिसमें हमारे पास ना तेल था, ना वो इकोनॉमिक पावर थी, ना वो ड्राइविंग सीट थी जिसकी बेस के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग में कोई रोल अदा कर सकते हैं, इसके बावजूद आई थिंक पाकिस्तान ने हमारी बहुत जंग लड़ी। अब ये टाइम आ गया 21st सेंचुरी में, आप बच्चे हमारे सामने बैठे हुए, हम आपको ये कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे, जिस तरह से आज कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसका कोई अकाउंट नहीं है, तो आप लोग इस चीज के आज मोहताज नहीं है कि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आप उस चीज को प्रोजेक्ट करेंगे। अब ये टाइम है कि हमारा जो सोशल मीडिया है, इसका प्रेशर बने, इसके ऊपर हम लोग काम करें और वे फॉरवर्ड ढूंढें। हम सारे ये बताते हैं कि ये हुआ तारीख में, बड़ा अलमिया हुआ, उसमें हमने क्या क्या चीज लूज की। अब चीजें हमने वे फॉरवर्ड ये है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फ्रॉम एजे के, कम अज कम हमें वॉइस की आजादी है ना, हम तो बात कर सकते हैं, हमारे ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। तो हम जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा और सजाद साहब ने भी जिक्र किया कि हम लोग एज इंटेलेक्चुअल्स ऑफ एजे के, एज अवेयर पीपल ऑफ एजे के, हमारी क्या ऑब्लिगेशन है, हमने क्या करना है जिसकी वजह से ये जो क्वेश्चन आज हमारी नस्ल हमसे पूछ रही है, कम अज कम वो हमसे ये ना पूछे कि आपने कुछ नहीं किया। हम लोग एक कलेक्टिव, जिस तरह से आपकी चेयर है यहाँ पे गुलाम अब्बास की, सर कश्मीर के ऊपर आपका पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, अब आप इस चीज को यकीनी बनाएं कि जो आपके पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो वे फॉरवर्ड पे कोई थीसिस लिखें। क्या हुआ 48 में, 49 में क्या हुआ, किस तरह से क्या हुआ, ये चीजें हो गई हैं। अब क्योंकि देखें, पहले जब भी कोई चीज होती है वो एक थॉट प्रोसेस होती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि 2000 में यूएस में एक मिलिट्री ट्रैक डिप्लोमेसी कोर्स था, मैं उसमें शरीक थी, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आया बस सर्विस का, जो बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता था। सारे कहते थे ये तो कैसे, इंडिया पाकिस्तान कितनी टेंशन है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन वो ख्याल उसके कुछ अरसे के बाद हकीकत बना। तो आज अगर हम लोग, अगर वहां का एक इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक एक ऐसा प्रपोजल लाता है बस सर्विस का जो कि एक हकीकत बन गई, तो क्या हम जो इतने माशाल्लाह अच्छे ख्याल रखने वाले, जानने वाले, एक मैं समझती हूँ सन ऑफ द सॉइल और पर्सन बिलोंगिंग टू दिस टेरिटरी, ये हमारा राइट बनता है कि हम कोई वे फॉरवर्ड बताएं। क्योंकि देखें, जंग से अगर मसला हल होना होता तो ये बहुत पहले हो चुका होता। पाकिस्तान ने हमारे लिए बहुत कुर्बानी दी, बहुत जंगें जो हुई उनकी बेस और रूट कॉज कश्मीर ही था। शायद कश्मीर का इशू ना होता तो पाकिस्तान दौलत भी ना होता, पाकिस्तान को कमजोर ना किया जाता, पाकिस्तान की जो आज पोजीशन है और फिर जो हालात थे अफगानिस्तान के, जो हालात थे, तो जैसे मैंने ईरान का जिक्र किया, आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम कश्मीरी कौम अपने आप को देखें कि इतने खूबसूरत इलाके में होने के बावजूद हम तो अभी तक सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं है। अगर आपको अभी तक मिल्क पैक का दूध ना मिले तो आज मेरी जो बहनें और बच्चियां हैं, ये मैं जानती हूँ कि ये कितनी हैं जो इनके घरों में कोई इस तरह की फैसिलिटी है, भैंसें रखी हुई हैं। इससे तो हमारी पुरानी खवातीन जो थी, हमारी जो पुरानी खवातीन थी, हम उन माओं को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने आठ आठ बच्चे पाले हैं, घर के काम किए हैं और तहरीक आजादी में भी हिस्सा लिया है। और हमारी जो आज के जो लोग हैं, हम तो सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि खाना भी कोई हमें ला के दे दे। आप इतने खूबसूरत इलाके से होने के बावजूद क्या किसी के घर में कोई बागात है,
क्या कोई अपने घर के बने हुए ऑर्चर्ड से कोई चीज करते हैं? जब आपको कुर्बानी देनी पड़ती है तो आपको पेट के साथ पत्थर बांधना पड़ते हैं। हम हजूर पाक की उम्मत है, हमें ये सीखना चाहिए कि जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो उसकी आपने क्या तैयारी की है। कल अगर हम लोग कोई बड़ा स्टेप ले लेते हैं पाकिस्तान हमारी खातिर, तो हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं? क्या हम लोग अपना जो है अपनी लिविंग, हमें कोई ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि जिसके तहत हम हर तरह के दबाव के बगैर अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े रहे और डट जाए, जिस तरह ईरान डटा और उसने किसी किस्म की मतलब अब ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की वजह से और उनकी वजह से लोग उनके साथ हमदर्दी रखते हैं और उनके साथ उन्होंने बाहर से दवाइयां तक लेना कबूल नहीं किया और उन्होंने कहा जी हमारे मसाइल हैं, हम खुद इनको डील करेंगे। और आज वो एक बाइज़त कौम की तरह खड़े हैं। हम कश्मीरी देखें कि जो हमारे उधर के बहन भाई हैं वो तो सप्रेस्ड है। यहाँ पे आज आप किसी को कहें कि मैं आपको बाहर कुछ चीजें तकसीम करने लगे हैं तो आप देखना कि कितना बड़ा है जूम हो जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि कश्मीर कॉज के लिए जानते हैं तो मैं और डॉक्टर साहब और राय साहब अभी वहां से होके आए तो हमें पता है कि किस तरह लोग आते हैं। तो ये है कि पहले हमें अपने आप को भी रिविजिट करना चाहिए कि हम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको हमने किस हद तक एड्रेस किया है। तो अब कश्मीर के दो तीन एस्पेक्ट्स थे, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट था, इसका ह्यूमन राइट एस्पेक्ट था। पॉलिटिकली अगर हमारे किसी वजह से कुछ अचीवमेंट नहीं हो सकी थी तो इंटरनेशनल जितने भी लॉज हैं उनमें से लैंडमाइंस के लॉ को आप देखें, उस पर पूरी दुनिया बोलती है। आप बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर देखें, आप ह्यूमैनिटेरियन राइट्स में जिस तरह से हमारे यहाँ क्रॉस फायरिंग होती रही बहुत अरसे तक, इंटरनेशनली आप इस चीज से हटके और जो आपके दूसरे इंटरनेशनल लॉज हैं, चाहे वो ज्यादातर कंपेयर किया जाता है साइप्रस के हवाले से, साइप्रस का इशू जो है और कश्मीर का थोड़ा मिलता जुलता था कि यू आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पीस ऑफ लैंड टू अनदर विद इन द सेम कंट्री और किसी इंटरनेशनल सपोर्ट के बगैर हम लोग इस वक्त तक सरवाइव कर रहे हैं। तो आपने ये फैसला करना है, देखें कि आपने इसी तरह मूव फॉरवर्ड करना है। मैं तो समझती हूँ कि ये हमारे लिए एक लंबा फिक्रिया है, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को इस चीज को रिपोर्ट करना चाहिए कि वी हैव गिवन अ चांस टू पीस, एटलीस्ट सीज फायर हुए 21 साल हो गए तकरीबन। तो अगर इसके बावजूद भी ये एड्रेस नहीं होता तो पीपल आर गोइंग टू टेक द गन्स अगेन। ठीक है ना, आपकी जो यूथ है वो तकरीबन 35 ईयर से जो कम एज के लोग हैं वो 70% से ज्यादा हैं। तो फिर ये होगा कि एक वक्त आएगा कि लोग दोबारा पीस को रिजेक्ट करके और मतलब गन्स को, और ये किसी के लिए फिजिबल नहीं होगा। अब पाकिस्तान के लिए और इस इलाके के लिए और इस खित्ते के लिए एक मौका है कि सी पैक की वजह से शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई इंटरेस्ट इस एरिया में पैदा हो और वो ये सोचें नॉट फॉर अस बट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट कि यहाँ पे पीस हो। उनको ये दिलचस्पी नहीं है कि कश्मीरी वहां पे मर रहे हैं या क्या हो रहा है, अलबत्ता उनको अपनी ट्रेड से दिलचस्पी है। तो हम जो अपॉर्चुनिटी को किसी तरह से अपने इंटरेस्ट में उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो ये फिर हमारी अपनी लीडरशिप की और अपनी हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी सजेशंस की कमी है कि जिस तक जो वो सजेस्ट करें कि जिससे हम कोई अपना जो हम ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकें। और इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क अगर हम इस पर थोड़ा बहुत गौर करें। और जैसे मैंने कहा है कि आप लोग वे फॉरवर्ड लिखे, हम हमेशा इंटरनेशनली देखें, दुनिया को कारी करने के लिए मजा तब है कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में बैठ के ये कहे कि मुजफ्फराबाद में लिखने वाला प्रोफेसर या राइटर ये कहता है कि कश्मीर में ये जो बात है ये बड़ी गलत हुई है और इसका रेफरेंस दिया जाए। हम अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे अभी नहीं गए हैं कि हमारा रेफरेंस कोई ऐसा बन सके कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स का कोई रेफरेंस दे के कहे कि उन्होंने, अभी हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी इंडिया जो प्रिंसिपली सरेंडर कर गया है, जब उसने 49 में प्लेबिसाइट राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो दे हैव डिनाइड देयर राइट ऑफ
एक्सेशन, तो एनेक्सेशन को जब वो कर दिया तो इसको हम इंटरनेशनली अपने ऑथर्स के जरिए, अपने इंटेलेक्चुअल्स के जरिए इसको पोर्ट्रे करें और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट करें, और सिमिलर एग्रीमेंट पे भी कश्मीर से आवाज आनी चाहिए, कश्मीर से आवाज आनी चाहिए कि हम इसकी पार्टी नहीं है, हम इसको नहीं मानते, और पाकिस्तान ये कहे कि तीन दिहाइयों से उसको कोई नतीजा खेज चूंकि ये नहीं हो सका तो हम इस चीज से अपने आप को विड्रॉ करते हैं। जो भी लॉज बनते हैं वो इंसानों की बेहतरी के लिए बनते हैं, अगर उसमें बेहतरी नहीं आई है, 30 ईयर्स गुजर चुके हैं, 21 ईयर्स हो गए सीज फायर हुए हुए, तो आप कितना अरसा इंतजार करना चाहते हैं दोबारा यहाँ पे खून रेजी शुरू हो जाए, दोबारा यहाँ पे लोग बंदूक उठा लें, दोबारा औरतें माएं जो हमारी हैं, जो बहनें हैं, जिस तरह से एक आप उसकी कीमत का अंदाजा नहीं कर सकते, आप मैस ग्रेव्स की कीमत का अंदाजा नहीं कर सकते कि हम लोग जिस तरह से अपने शहीद होने वाले लोगों को या फौत होने वाले लोगों को जिस तरह से दफन करते हैं, और वहां पे एक ही कब्र में सैकड़ों लोगों की उन्होंने कब्रें बनाई, जिस तरह से बहुत सी खवातीन जो हैं उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, और एक औरत अगर ओपन आके कन्फेस करती है कि आई हैव लॉस्ट माय चेस्टिटी, इट्स नॉट एन इजी कन्फेशन इन आवर सोसाइटी, तो जाहिर कोई मजबूर होता है तो ये बात कहते हैं, और हमारी जो ज्यादा से ज्यादा औरतें हैं उन्होंने इसमें कुर्बानी दी है, एक माँ ने कुर्बानी दी है, अगर एक बेटा शहीद हुआ तो उसने कहा अगर दूसरा भी हो जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो अगर हम उस बहादुर कौम के लोग हैं, इस आजाद कश्मीर की बात मैं करती हूँ, आप सब लोगों के सामने ये चीज है कि 8 अक्टूबर को ऐसी बहादुर माएं थीं जिन्होंने अपने बच्चों की या शोहर की लाश को दफन किया और बाकी बच जाने वाले लोगों के लिए खाना भी पकाया और उनको सर्व भी किया, और जब अमेरिका में कैटरीना तूफान आया था तो उसके जो विक्टिम्स थे वो आज तक अपनी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और हमारे बहादुर जो लोग हैं इनमें ये वर्थ है, इनमें ये कैपेबिलिटी है। तो बात हमने करनी है मकबूजा कश्मीर में होने वाली ह्यूमन राइट्स और रिलेशंस की, इनको टू एस्पेक्ट्स पे डिवाइड करें, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन राइट्स, और फिर इंटेलेक्चुअली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से हमने चीजें निकाल के बतानी है कि ये चीजें जो है ये ठीक नहीं है, इनके ऊपर अमल नहीं हुआ। और पाकिस्तान की ये भी बड़ी कामयाबी थी कि किसी तरह से उन्होंने OIC में कॉन्टेक्ट ग्रुप में कश्मीरीज को एंटर किया, क्योंकि कश्मीरीज कोई रिकग्नाइज्ड कंट्री तो है नहीं, इसके बावजूद OIC में हमें वो किया। और अभी सबसे बड़ी जो हमारी रुकावट ये है कि वी आर नॉट द सिग्नेटरी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैं वहां पर गई भी हूँ एक दो प्रोग्राम्स में, लेकिन सिंस वी आर नॉट अ रिकग्नाइज्ड कंट्री and Pakistan and India are not the signatories and they are not ready for their own reasons to go there, to mera khayal hai ki jo itni bada forum hai wo human rights ke point of view se khud bhi suo motu action le sakta hai, lekin ye sari cheeze tab hongi ki unka yahan pe interest develop hoga, jab interest develop hota hai to Afghanistan jaise waqiat pesh aa jate hain, foran ek minute mein hal nikal aata hai, East Timor jaise ho jate hain, to inshallah I am very happy and positive to see कि जिस तरह से आज मैंने यहाँ पे गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह बहुत अच्छी आप लोगों ने सजेशंस दी हैं और बातचीत भी की है, और मैं भी हाजिर हूँ, आप लोग जो भी डॉक्टर साहब माशाल्लाह खुद भी एक इल्मी शख्सियत है, तो आप लोग जो भी कोई यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी इंगेज करते हैं, लिबरेशन सेल की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाता है या यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो हमें इसको इनकरेज करना चाहिए। और आज डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कश्मीर वालों को कहें कि सिर्फ ज्यादातर हिस्ट्री के बजाय वे फॉरवर्ड पे अपना थीसिस को फोकस करें, ताकि ये ना कि उसका कोई हमें रिटर्न भी मिले, ये तो सब जानते हैं कि क्या हुआ, अब आगे क्या होना चाहिए इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो आज आपका बड़ा लंबा दिन हो गया, आपने काफी हुई, और मैं और डॉक्टर साहब तो आज वहां से आ रहे हैं, बड़ा हमने एक माशाल्लाह उधर भी सुबह से एंगेज थे, so thank you very much for your